जय हिंद प्यारे साथियों, 76वें स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यारे साथियों, हम लोग चर्चा कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्रों का एक वीडियो हम लोगों ने पहले ही आपके लिए अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा। इन दोनों वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। अनुसंधान केंद्र से संबंधित राजस्थान का जो तृतीय श्रेणी शिक्षक की भर्ती आयोजित होगी जनवरी माह में, उसमें आपका किसी प्रकार का कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। प्यारे साथियों, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये सेशन। ठीक है भाई, ये देखिएगा, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों की हम बात कर रहे थे। हम लोगों ने सेवर भरतपुर पढ़ लिया था, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर टोंक पढ़ लिया था। तो आज के सेशन में हम लोग शुरुआत करेंगे केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान। तो अंबिकानगर टोंक में पढ़ा ही था, परंतु आज पढ़ेंगे हम प्रशिक्षण संस्थान, और वो प्रशिक्षण संस्थान है भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान। और ये कहाँ पर है प्यारे साथियों, लिखिएगा, भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान। ये पड़ेगा आपके जयपुर में। अब देखिएगा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत डिटेल से जाना था, यहाँ पर कुछ एक प्रशिक्षण संस्थान ऐसे हैं जिनसे संबंधित लगातार जो प्रश्न आया है, जो मैंने एनालिसिस किया है, वो सिर्फ जिले से संबंधित आ रहा है। तो कुछ एक प्रशिक्षण संस्थान है, उनके जिले जानेंगे। उसके बाद हम लोग क्या है, फिर से जैसे आपका काजरी बचा हुआ है, आफरी बचा हुआ है, उनका थोड़ा डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद अगला आएगा आपका केंद्रीय ऊन बोर्ड। ये ऊन से संबंधित बहुत सारे सवाल हैं भाई, इनको ध्यान रखना। केंद्रीय ऊन बोर्ड, ये आपका पड़ेगा जोधपुर में। अब देखिएगा, केंद्रीय भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान आपका जयपुर हो गया। ऊन बोर्ड कहाँ पर आएगा, आपका ऊन बोर्ड आएगा जोधपुर आएगा। बिल्कुल देखिएगा, भेड़ों ने क्या कर दिया, लोचा कर दिया, बहुत सारे संस्थान हैं, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल सटीक याद रखना। प्रशिक्षण लेने के लिए कहाँ जाओगे, जयपुर जाएंगे, और ऊन लेने के लिए ऊन का जो बोर्ड है वो कहाँ पर है, वो जोधपुर में है। अब बात करते हैं हम भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला। उसके बाद देखिएगा, भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला की मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो ये पड़ेगा आपका सूर्य नगरी जोधपुर में। भाई ये भी कहाँ पर है, ये भी जोधपुर में है, ऊन बोर्ड भी जोधपुर में है, और भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला ये भी कहाँ पर है, जोधपुर में। और जोधपुर में एक प्रयोगशाला और है, और वो प्रयोगशाला है प्यारे साथियों रक्षा प्रयोगशाला। कौन सी प्रयोगशाला, रक्षा प्रयोगशाला, और ये भी आपके जोधपुर में ही है। कहाँ पर है, जोधपुर में। अगर ये पीडीएफ आप पाना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिलने वाला है। ठीक है भाई, अब आप लोगों ने रक्षा प्रयोगशाला देख लिया, रक्षा प्रयोगशाला कहाँ पर है, जोधपुर में। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग राज्य सुदूर संवेदन केंद्र। सुदूर संवेदन केंद्र, ये काफी बार एग्जाम में आया भाई, कौन से जिले में है, जोधपुर जिले में। राज्य सुदूर संवेदन केंद्र, राज्य है सुदूर संवेदन, ये केंद्र आपके राजस्थान के सूर्य नगरी जोधपुर में। रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर में है, ऊन बोर्ड जोधपुर में है, ठीक है, और भेड़ रोग अनुसंधान संस्थान ये भी कहां पर आपका, जोधपुर में। तो ये सारे जोधपुर के परिप्रेक्ष्य में थे। अब बात करते हैं हम लोग आपके राज्य राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। अब जैसे ही राज्य राजस्व का नाम आया, आप लोगों को याद आ गया होगा, राज्य राजस्व प्रशिक्षण संस्थान, राज्य राजस्व प्रशिक्षण संस्थान, आपको पता ही है राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, अजमेर में है। राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, अजमेर में है। तो जाहिर सी बात है, राजस्व का मुख्यालय भी कहाँ पर ही होगा, अजमेर में ही होगा प्यारे साथियों। उसके बाद बात आती है
राजस्थान का एकमात्र कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान। कौन सा प्रशिक्षण संस्थान? कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान। ये कहां पर है? ये काफी बार एग्जाम में आया भाई, इसका भी ध्यान रखिएगा। राज्य का एकमात्र कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान का एकमात्र कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान। प्रशिक्षण संस्थान ये पड़ेगा भाई आपका राजस्थान का हृदय, जहां पर राजस्व विभाग का मुख्यालय है अजमेर में, और इसकी स्थापना होती है 1988 से 89 में। कब होती है? 1988 से 89 में राज्य का एकमात्र कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में, राजस्व विभाग का मुख्यालय अजमेर में, राज्य सुदूर संवेदन केंद्र जोधपुर में पड़ेगा आपका। ठीक है भाई, बिल्कुल, बहुत ही आपके शानदार कमेंट आ रहे हैं और आप लगातार इस तरह से ही कमेंट करते रहें। बिल्कुल, कि देखिएगा कमेंट करने का फायदा क्या है, जैसे आप कमेंट करोगे ना तो आप वो आपको थोड़ा याद और हो जाता है, एकदम डाटा क्लियर हो जाता है, कमेंट करने का ये फायदा है। ठीक है, बिल्कुल। अब आप लोगों ने देखा कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान 1988-89 में इसकी स्थापना होती है और अजमेर में है। बिल्कुल ठीक है भाई। अब बात करते हैं कपास अनुसंधान केंद्र की। अब कपास अनुसंधान केंद्र, अब आप लोगों के दिमाग में आया होगा सर कौन सा वाला कपास, तो यहाँ पर देखिएगा आप लोगों ने एक नरमा पढ़ा है और एक अमेरिकन कपास, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग कपास अनुसंधान केंद्र की। कपास अनुसंधान केंद्र, अब ये पड़ेगा आपका राजस्थान का अन्न का कटोरा। छाप दो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। कपास अनुसंधान केंद्र ये पड़ेगा आपका गंगानगर में। कौन सा नगर? गंगानगर। गंगानगर में राजस्थान का जो कपास अनुसंधान केंद्र है गंगानगर में, और आपको पता है अमेरिकन कपास भारत राजस्थान में, गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में, जिसे नरमा भी कहा जाता है। ठीक है भाई, बहुत ही शानदार आपके कमेंट आ रहे हैं। बिल्कुल, अब बात करते हैं हम लोग उसके बाद आपका जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पर टू द पॉइंट हम लोग चल रहे हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, केंद्रीय पशुधन, केंद्रीय पशुधन प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? छापो फटाफट, केंद्रीय पशुधन प्रजनन केंद्र ये पड़ेगा भाई आपके सूरतगढ़ गंगानगर में। कहाँ पर? सूरतगढ़ गंगानगर। सूरतगढ़ गंगानगर में केंद्रीय पशुधन प्रजनन केंद्र, केंद्रीय पशुधन प्रजनन केंद्र आपका सूरतगढ़ गंगानगर में है। अब उसके बाद आप लोग बताओ बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अगला अनुसंधान केंद्र पूछा जा सकता है आपसे बाजरा अनुसंधान केंद्र, राजस्थान, राजस्थान का है नहीं, देश का एकमात्र है बाजरा अनुसंधान केंद्र। बाजरा अनुसंधान केंद्र ये पड़ेगा भाई आपका बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में बाजरा अनुसंधान केंद्र विकसित किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कहां पर है बाजरा अनुसंधान केंद्र, बाड़मेर में है। जवार अनुसंधान केंद्र बताओ भाई, जवार अनुसंधान केंद्र, जवार अनुसंधान केंद्र ये पड़ेगा आपका वल्लभ नगर। वल्लभ नगर में एक और केंद्र है, बताओ कौन सा है कमेंट सेक्शन में। वल्लभ नगर उदयपुर में। ठीक है, वल्लभ नगर उदयपुर में जवार अनुसंधान केंद्र है, एक केंद्र और है। वल्लभ नगर उदयपुर में एक केंद्र और है, और वो कौन सा है बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो भाई, वल्लभ नगर उदयपुर में कौन सा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, आपका अगला है बेहद ही महत्वपूर्ण, यहाँ से काफी बार सवाल आया है, चावल एवं मक्का अनुसंधान केंद्र। कौन सा है? चावल एवं मक्का अनुसंधान केंद्र। ठीक है, लिखो तो लिखो, चावल एवं मक्का अनुसंधान केंद्र।
मक्का अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है? ये पड़ेगा आपका राजस्थान का दक्षिणतम जिला बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा में है चावल एवं मक्का अनुसंधान केंद्र। अब देखिएगा यहां पर एक मक्का की किस्म तैयार की गई है, काफी बार एग्जाम में आया है, माही कंचन। ये किस्म तैयार की गई थी मक्का अनुसंधान। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है सीधा, चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बांसवाड़ा में है। मक्का अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बांसवाड़ा में। मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के द्वारा कौन सी मक्का की नई किस्म का आविष्कार किया गया? माही कंचन मक्का की नई किस्म का आविष्कार किया गया, अर्थात इस मक्का की जो किस्म है इसको तैयार किया गया था मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के द्वारा। माही कंचन मक्का की नई किस्म को तैयार किया गया था, जहां पर क्या है चावल अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है? बांसवाड़ा में। ये ठीक है भाई। अब बात करते हैं आपका राजस्थान राज्य है। राजस्थान राज्य है शैक्षिक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, प्रशिक्षण परिषद जिसे बोलते हैं भाई SIERT, इसका मुख्यालय है उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। अब बता दो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि उदयपुर में इसका मुख्यालय है। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं, इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो ये देखिएगा भाई, इसकी स्थापना होती है 1978 में। अब आप एक चीज और बताओगे, इसकी स्थापना 1978 में हुई, उसके बाद आप देखो NCERT के बारे में बताओ थोड़ा सा। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1961 में। ठीक है भाई, इसकी स्थापना 1961 में, और उसी के तर्ज पर प्रत्येक राज्य में, राज्य जो स्टेट जैसे केंद्र का है उसी तरह हर राज्य में है, तो अपने राजस्थान में SIERT का गठन किया गया। तो इसकी गठन किया गया था प्यारे साथियों 1978 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है उदयपुर में है, बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो। अब राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का राजस्थान में किस जिले में इसका मुख्यालय है उसको देखिएगा। राष्ट्रीय मृदा संरक्षण पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र, राष्ट्रीय मृदा संरक्षण का पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र राजस्थान के किस जिले में है? बिल्कुल ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आप बताओ भाई राजस्थान के कौन से जिले में है? तो राजस्थान के उदयपुर जिले में राष्ट्रीय मृदा संरक्षण का पश्चिमी केंद्रीय कार्यालय है, उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। NCERT की स्थापना 1961 में की गई थी। यहां पर यह भी लिख लो आप, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, नई दिल्ली। ठीक है भाई, उसका 1978 उदयपुर में है। और यहाँ पर राष्ट्रीय मृदा संरक्षण पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर है? ये पड़ेगा आपका उदयपुर में पड़ेगा। बिल्कुल बहुत ही शानदार, आपके लाजवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे हैं। अब आपसे मैं वो प्रश्न पूछ रहा था ना, आपने छापा बिल्कुल बहुत अच्छा छापा, भैंस प्रजनन केंद्र। मैं आपसे ये पूछ रहा था भैंस प्रजनन केंद्र, अब बताओ भाई भैंस प्रजनन केंद्र, भैंस प्रजनन केंद्र ये पड़ेगा आपका वल्लभ नगर। अब वल्लभ नगर में कितने हो गए? दो हो गए ना, एक तो ज्वार वाला और एक भैंस वाला। वल्लभ नगर उदयपुर में, ठीक है। एक तो कौन सा है? ज्वार अनुसंधान, और एक हो गया आपका भैंस प्रजनन केंद्र।
ये कहाँ पर पड़ता है? वल्लभ नगर उदयपुर में पड़ता है प्यारे साथियों, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करूं भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला, बहुत ही आपके शानदार लाजवाब कमेंट आ रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला है भाई आपकी, मौसम विभाग की वेधशाला, और ये वेधशाला है आपकी जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। जबकि सौर वेधशाला फतेह सागर झील उदयपुर में महाराणा फतेह सिंह के द्वारा पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत डिटेल से चर्चा किया था। सौर वेधशाला दक्षिणी कैलिफोर्निया की बिग बियर रीप झील है, और उस झील में एक सौर वेधशाला बनी हुई है। उस सौर वेधशाला के पैटर्न को देखते हुए डॉक्टर अरविंद भटनागर ने उसी को उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की फतेह सागर झील के एक द्वीप पर सौर वेधशाला का निर्माण करवाया था, और 1976 में इसका निर्माण हुआ। तो प्यारे साथियों, बहुत ही डिटेल के साथ हमने पिछला सेशन कवर किया था, उस सेशन में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। इसी तरह आप आगे भी लगातार सेशन देखते रहिएगा और अपनी तैयारी को चार चांद लगाते रहिएगा, ठीक है भाई। अब देख लो भाई आगे, बिल्कुल। अब आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? भैंस का भी, भैंस प्रजनन केंद्र पढ़ लिया, ज्वार अनुसंधान केंद्र पढ़ लिया, उसके बाद चावल मक्का ऊन बोर्ड, ठीक है, प्रशिक्षण संस्थान ऊन, राजस्व मंडल, ये सारे आप लोगों ने कवर कर लिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान की। कौन से संस्थान की? राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान। अब यहाँ से भी एक अच्छा प्रश्न हो सकता है कि राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय आयुर्वेदिक आयुर्वेद संस्थान, भाई ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है जो आपके जयपुर में, कहाँ पर है? जयपुर में है भाई इसका मुख्यालय। अब यहाँ से सीधा पूछ लेगा आपसे, चार संस्थान दे देगा और एक का क्या दे देगा, थोड़ा वो जैसे कि इसका मुख्यालय है जो इससे सम्मिलित नहीं है, इस तरह का प्रश्न पूछ लेगा आपसे। निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है, कौन सा युग्म असत्य है, ठीक है भाई। बिल्कुल, बहुत ही आपके शानदार लगातार कमेंट आ रहे हैं और ऐसे ही आप लगातार जुड़े रहिए। अब बात करते हैं हम लोग केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान, ये पड़ेगा भाई आपके कहां पर पड़ेगा? इसे सिरी के नाम से भी जाना जाता है। सिरी का मुख्यालय कहां पर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय आपका पिलानी। अब ये पिलानी कहां पर पड़ता है? बिट्स पिलानी, पढ़ा होगा ना आपने, झुंझुनू में है ये। कहां पर है? झुंझुनू में है। अब आप ध्यान रखिएगा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान, इसे सिरी के नाम से भी जाना जाता है, और इसका मुख्यालय है प्यारे साथियों, यानी इसका जो केंद्र है वो कहाँ पर है? पिलानी झुंझुनू में है भाई। कहाँ पर है? पिलानी झुंझुनू में है। अब बताओ, लगातार आपसे किसी भी पैटर्न का सवाल पूछेगा ना, मैं बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता हूँ प्यारे साथियों, गलत नहीं होगा। क्योंकि देखिएगा, मैं अभी इस सेशन के बाद एक नया सेशन और लेकर आ रहा हूँ, उसमें क्या होंगे, जो आपके सांस्कृतिक केंद्र है ना, जो भी जितने भी सांस्कृतिक केंद्र हैं, सांस्कृतिक केंद्रों से या सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़े हुए संस्थान हैं, चाहे आपका जवाहर कला मंच जयपुर हो, चाहे आपका प्राच्य विद्या संस्थान जोधपुर हो, यानी इस तरह के जो भी केंद्र है ना, भवानी नाट्यशाला झालावाड़ हो, तो इस तरह के जो भी केंद्र है ना, इनका डिटेल के साथ एक अलग से वीडियो लेकर आ रहा हूँ। क्या पता अनुसंधान केंद्र के साथ साथ सांस्कृतिक जो केंद्र है उनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो यदि या तो यहाँ पूछ लेगा प्रश्न, या फिर आपके राजस्थान जीके में भी वो डिटेल से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक सेशन आपके लिए क्रिएट किया गया है, जिसमें राजस्थान के सांस्कृतिक केंद्र, ऐतिहासिक जो भी पत्रिकाएं हैं, यानी कौन से केंद्र के द्वारा कौन सी पत्रिका निकाली जाती है, उन सभी को ध्यान में रखते एक सेशन और लेकर आऊंगा प्यारे साथियों, आप उस सेशन को भी जरूर देखना। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात करते हैं हम लोग, बहुत ही आपके शानदार कमेंट आ रहे हैं, सिरेमिक विद्युत अनुसंधान संस्थान, सिरेमिक विद्युत, अब ये बताओ ये कहां पर है? सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र, बताओ कहां पर है ये? अनुसंधान एवं विकास केंद्र,
भाई ये सवाल अच्छा हो सकता है, स्टार लगा लो, छप सकता है पेपर में, ये दोनों, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों छप सकते हैं। विकास केंद्र ये कहाँ पर है भाई आपके, इसमें आप लोग सोच ही नहीं सकते ऐसा आंसर आने वाला है। ये पड़ेगा आपका बीकानेर में, पड़ेगा कहाँ पर, पड़ेगा बीकानेर में, ठीक है। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र बीकानेर में है, जबकि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान आपका पिलानी में पड़ेगा, ठीक है भाई। अब बात करते हैं राजकीय सुकर फार्म, जिसे सुअर फार्म के नाम से भी जानते हैं, राजकीय सुकर फार्म, राजकीय सुकर फार्म पड़ेगा आपका अलवर, राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का सिंहद्वार, अलवर में पड़ेगा ये, ठीक है भाई। ये दोनों के स्टार लगा लेना, ये दोनों आप लोग इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब आप लोगों ने ये सारा कंटेंट क्लियर किया, अब आप लोग मेरे को दो सवाल बताओगे भाई, दो सवाल कौन कौन से हैं, बिल्कुल दो सवाल ये बताओगे आप मुझे, एक तो ये बताओ आप मुझे, राजस्थान में संभाग कितने हैं? आप बताओगे, बोलो गुरुजी बहुत सीधा है, कितने हैं? आप लोग छाप दोगे सात हैं। अरे परंतु मैं संभाग, देखिएगा संभाग प्रश्न में लोचा है, समझो। अब देखो भाई, एक तो संभाग होता है और एक होता है शैक्षिक संभाग, शैक्षिक संभाग, बोलो सर ये क्या होता है? अब ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके छापोगे, और वीडियो के नीचे कमेंट करना, कल वाला जो सेशन आएगा, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, मैं आपके सभी के कमेंट देख लूँगा, और आपका विद नाम के साथ आपका बिल्कुल मैं आपको यहाँ कमेंट दिखाने वाला हूँ। अब आप बताओ राजस्थान में कितने शैक्षिक संभाग हैं, ठीक है, और ये तो मैं आपको बता ही देता हूँ शैक्षिक संभाग कितने हैं, और राजस्थान में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र तो मैं बता देता हूँ आपको प्यारे साथियों, कृषि जलवायु क्षेत्र तो आपके 10 हैं भाई, ठीक है, राजस्थान में 10 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, परंतु आप ये बताओ शैक्षिक संभाग कितने हैं। बिल्कुल बहुत ही शानदार, लाजवाब आपके कमेंट आ रहे हैं, मैं देख लूंगा वीडियो के नीचे किस किस के कमेंट आते हैं, ठीक है भाई। अब राजस्थान में अगर मैं बात करता हूँ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की, तो इसकी स्थापना प्यारे साथियों कब होती है, यहाँ से भी एक अच्छा प्रश्न बन सकता है। राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना, राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना, प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना, इसकी स्थापना होती है भाई, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है, 1983 में राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना 1983 में होते हैं। कृषि जलवायु खंड आपके, कृषि जलवायु जो क्षेत्र हैं वो 10 हैं, संभाग 7 हैं, शैक्षिक संभाग आपको बताना है, ठीक है भाई, आगे बढ़ो। बिल्कुल बहुत ही आपके शानदार। अब बात कर लेते हैं आपका जो दो पॉइंट बचे हुए थे अनुसंधान केंद्रों में, एक तो बचा हुआ था आपका काजरी और एक बचा हुआ था आफरी, इनका थोड़ा सा डिटेल से अध्ययन करेंगे, ठीक है, उसके बाद एक अलग से सेशन लेकर आऊँगा जिनमें कुछ एक आपके टॉप MCQs रखूँगा मैं। अब बात करते हैं हम लोग काजरी की, ठीक है भाई, एक काजरी है और एक आपका आफरी है। अब इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है प्यारे साथियों 1959 में, ठीक है, परंतु आप लोगों ने कई जगह 1952 भी पढ़ा होगा, और एक आंकड़ा पढ़ा होगा आपने 1957 का। अब इनमें क्या क्या हुआ था वो थोड़ा सा एक बार आप जानने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, मैं सोचूंगा प्यारे साथियों आज आपका डाउट क्लियर कर दिया जाए। ये देखिएगा आप लोगों ने तीन डेटें पढ़ी है, एक पढ़ी है काजरी के बारे में 1959 में, अब 1959 का लोचा क्या है, ठीक है, इसका 1959 का लोचा है प्यारे साथियों, इसकी स्थापना की जाती है 1959 में एक्चुअली रूप से, परंतु 1952 का आंकड़ा क्या है, 1952 में क्या किया जाता है, मरुस्थल मरुवनीकरण एक केंद्र की स्थापना की जाती है, ठीक है, वो कहां पर की जाती है, जोधपुर में की जाती है प्यारे साथियों। उसके बाद 1957 में क्या किया जाता है, मरुवनीकरण एवं मृदा संरक्षण के रूप में इसका फिर से इसको मॉडिफाई किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ 1952 में क्या किया जाता है, मरुवनीकरण, ठीक है, उसके बाद
1952 में क्या किया जाता है, मरुवनीकरण केंद्र की स्थापना की जाती है। अब देखो भाई 1957 में क्या होता है, मरुवनीकरण एवं मृदा संरक्षण के रूप में। मृदा संरक्षण मरुवनीकरण एवं मृदा संरक्षण के रूप में इसे स्थापित किया जाता है प्यारे साथियों। और फिर फाइनली इसकी स्थापना 1969 में होती है। 1969 में प्यारे साथियों जोधपुर में, कहाँ पर, जोधपुर में इसकी स्थापना की जाती है। और इसका पूरा नाम भी लिख लीजिएगा आप, पूरा नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। काजरी 1969 जोधपुर, ठीक है भाई। अब इसका आपसे पूरा नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि काजरी का पूरा नाम क्या है, सामान्य प्रश्न बन सकता है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान तो लिख डालो, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, शुष्क क्षेत्र, क्षेत्र ऐड कर लीजिएगा, क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ठीक है। इसका शॉर्ट नेम है काजरी, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के नाम से इसे जाना जाता है। अब इसका स्थापना क्यों किया गया, इसकी स्थापना 1969 में क्यों की गई प्यारे साथियों, जो मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए, किसका इसका उद्देश्य क्या था, स्थापना का उद्देश्य मरुस्थल के विस्तार को रोकना, बढ़ते मरुस्थल के विस्तार को रोकना, मरुस्थल के विस्तार को रोकना, ठीक है भाई। मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए काजरी, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान 1969 में जोधपुर में स्थापित किया गया, ठीक है। अब यहां से आपसे अगर अनुसंधान केंद्रों को लेकर अगर प्रश्न आएगा ना, तो इतना ही पूछेगा, और फिर अगर डिटेल में आएगा ना, तो मैं आपके लिए काजरी आफरी और जो कुछ एक बचे हुए हैं ना, उनका और डिटेल से एक अलग सेशन लेकर आऊंगा, एक मैराथन सेशन लेकर आऊंगा प्यारे साथियों, ठीक है। उसके बाद आता है आपका आफरी, कौन सा आता है आफरी, आता है भाई आफरी। अब आफरी की स्थापना होती है 1988 में, आफरी की स्थापना 1988 में होती है प्यारे साथियों। और इसकी स्थापना भी होती है कहां पर, होती है जोधपुर में ही होती है भाई, जोधपुर में, में। अब उसका तो देखिएगा, काजरी का पूरा नाम था केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, इसका है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है। बस इतना सा थोड़ा नाम का ध्यान रखिएगा, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये इसका पूरा नाम था। अब बताओ आज का ये सेशन कैसा लगा आपको, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी इसका मतलब शॉर्ट नेम है, जोधपुर में इसकी मुख्यालय है और 1988 में इसकी स्थापना की गई प्यारे साथियों। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, मुझे उम्मीद है। और हाँ प्यारे साथियों, एक थोड़ा सा पिछले सेशन में जो मैंने आपको 20 अक्टूबर 1993 सेवर भरतपुर का, सेवर भरतपुर एक स्थापना दिवस बताया था इसका, ये 20 अक्टूबर को है प्यारे साथियों, वो 8वीं पंचवर्षीय योजना है। वो क्या है कि मैंने आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना बता दिया था 1992 से 1997 तक, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना का कालावधि है। वो बाई मिस्टेक मैंने आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना बता दिया था, आप उसको ठीक कर लीजिएगा प्यारे साथियों। आज का ये सेशन कैसा लगा, ये दोनों सेशन देखने के बाद मुझे उम्मीद है आप लोगों का जो डाउट है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अनुसंधान केंद्र से संबंधित आपसे किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाएगा, गलत नहीं होगा। अगला सेशन आपका रहने वाला है प्यारे साथियों, बिल्कुल बहुत ही आपके शानदार कमेंट आ रहे हैं। अब देखिएगा, ये अनुसंधान संस्थान है, उसके बाद आपसे क्या पूछा जा सकता है,
राजस्थान के प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल है ना, इनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है भाई। इनमें भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बन रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में इनका उल्लेख है। तो ये सेशन भी मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ, इस सेशन का आप मजा उठाइएगा, बहुत ही शानदार कंटेंट आपके बीच रखने वाला हूँ। प्यारे साथियों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिएगा, ठीक,